Hello everyone, this is Pete Kavala. Today we'll be discussing about the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. तो जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन्स कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं एंड क्या होता है उनके अंदर, किस तरीके से हम उनके साथ डील करते हैं, रिफ्लेक्शंस के साथ, लॉसेस के साथ, कौन कौन से तरह के लॉसेस होते हैं उसके अंदर. तो आज हम लोग बात करेंगे एक और तरह के लॉस के बारे में जिसका नाम है रिफ्लेक्शन. सो वॉट इज रिफ्लेक्शन इन द ट्रांसमिशन लाइन्स? इफ ए लाइन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग इट्स लेंथ इज कनेक्टेड टू एन इम्पिडेंस दैट हैज़ अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम जी नॉट, पार्ट ऑफ द वेव ट्रैवलिंग डाउन द लाइन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन. तो इसका क्या मतलब है कि अगर एक लाइन में, एक ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, अलॉन्ग इट्स लेंथ किसी भी एक पॉइंट पे अगर एक ऐसी इम्पिडेंस कनेक्ट कर दी जाए जिसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से डिफरेंट है, तो वो जो लाइन ट्रैवल करेगी, उस लाइन में से जो वेव ट्रैवल करेगी, वो एट द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, दो लाइंस के कंबाइन होने के पॉइंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंटरकनेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, वो जो वेव है, वो जो सिग्नल है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक. इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन. मतलब कि अगर आपकी इम्पिडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से मैच नहीं करती है ट्रांसमिशन लाइन में, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एट एनी लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, अगर आपकी जो इम्पिडेंस है वो करेक्ट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जो है, या आपने अगर कोई इम्पिडेंस वहाँ पे कनेक्ट करी है, अगर उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से अलग है, तो जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग विद द लाइन, वो एट द पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वापस रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी अगर इम्पिडेंस मैच नहीं करेगी कैरेक्टरिस्टिक टर्मिनेटिंग इम्पिडेंस के साथ, तो वो सिग्नल क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा. और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन इन ट्रांसमिशन लाइन. अगर एक लाइन यूनिफॉर्म है अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ, एंटायर लेंथ के अलॉन्ग अगर वो यूनिफॉर्म है और उसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जी आर से, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जी नॉट की जगह किसी और इम्पिडेंस जी आर से टर्मिनेट किया गया है, तो डिस्टेंट एंड पे रिफ्लेक्शन अकर करेगी. और ये रिफ्लेक्शन जो है, इट विल बी मैक्सिमम अगर वो लाइन ओपन सर्किटेड है, यानी कि जेड आर जो है वो इन्फिनिटी पहुँच जाएगी. और शॉर्ट सर्किटेड, अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो. एंड अगर वो ज़ीरो होगी, ज़ीरो कब होगी, जब जी आर विल बी इक्वल टू जी नॉट. दैट मीन्स दो केसेस हुए, रिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी व्हेन द लाइन इज ओपन सर्किटेड, और अगर, या शॉर्ट सर्किटेड हो, ठीक है, और ज़ीरो होगी अगर जी आर की वैल्यू Z नॉट के बराबर है. दोबारा बता रही हूँ, रिफ्लेक्शन की वैल्यू, कितनी वेव रिफ्लेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रही है, उसकी रिफ्लेक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, जितनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगी उतना आपका ट्रांसमिशन सिग्नल जो है वो ख़राब हो जाएगा, राइट. तो वो मैक्सिमम कब होगी, रिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी लाइन या ओपन सर्किटेड है या शॉर्ट सर्किटेड है, तो जी आर की वैल्यू इन्फिनिटी या ज़ीरो हो सकती है. बट रिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, जब जी आर की वैल्यू, यानी कि जो इम्पिडेंस आपने कनेक्ट करी है उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल होगी, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी. रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी जब लाइन आपकी या ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट है, रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी जब आपकी जो इम्पिडेंस है वो जी नॉट के इक्वल है. ओके, सो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन अकर करती है, तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि दो नेटवर्क्स के बीच में मिसमैचिंग है, दे आर नॉट इक्वल इन इम्पिडेंसेस, उनके बीच में मिसमैचिंग है, राइट. सो द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू द इंसिडेंट वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन हैज बीन टर्म्ड एज द रिफ्लेक्शन कोफिशेंट. किसकी रेशियो, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज ई आर की रेशियो टू द इंसिडेंट वोल्टेज ई आई एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ लाइन, उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से. इट कैन बी रिटन एज ई आर बाय ई आई, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितनी है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वोल्टेज कितनी थी.
रिसीविंग एंड पे कितनी पहुंच रही है, और इसको लिख सकते हैं अगर करंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो माइनस आई आर बाय आई आई, राइट। तो लेट द नेटवर्क ए रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जी नॉट, एंड नेटवर्क बी वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोड ऑफ इंपेडेंस जी आर को। सो नेटवर्क ए में इंपेडेंस जी नॉट है, नेटवर्क बी में जी आर है। सो रिप्लेसिंग द नेटवर्क ए बाय अ जनरेटर ई एम एफ ई एंड इम्पिडेंस जी नॉट एंड नेटवर्क बी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पिडेंस जी नॉट एंड जी आर डैश, कि हमने अगर रिप्लेस कर दिया नेटवर्क ए को बाय अ जनरेटर ई एम एफ ई, जनरेटर ई एम एफ ई से रिप्लेस कर दिया और जी नॉट से रिप्लेस कर दिया उसको, राइट। तो नेटवर्क को हमने कैसे बनाया, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, नेटवर्क ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने सबसे पहले ई एम एफ लगा दी और साथ में उसकी इम्पिडेंस कनेक्ट कर दी जी नॉट, वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अब नेटवर्क बी में हमने क्या लगाया, जी नॉट और जी आर डैश। जी आर डैश का क्या मतलब है, ऐसा जी आर डैश लगाया कि जी नॉट प्लस जी आर डैश इक्वल टू जी आर हो गया। दैट मीन्स कि कितना कुछ डिफरेंस है जी नॉट और जी आर में, जो डिफरेंस है दैट इज जी आर डैश, उससे रिप्रेजेंट कर दिया उसको कि उसमें कितना फर्क है उन दोनों में, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और लोड इम्पिडेंस में कितना डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट कर दिया जी आर डैश के साथ, राइट। तो इस तरह से वो नेटवर्क बन जाएगा, दिस विल बी अ नेटवर्क ए एंड दिस इज नेटवर्क बी। अब इन दोनों को, दो नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो दिस इज द फाइनल इक्विवेलेंट, वो किस तरीके का होगा, रिप्रेजेंटेशन विल बी शोन लाइक दिस, 15.19 की तरह होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ई लगाया, जी नॉट लगाया, यहाँ पे माइनस आई जी आर डैश जो सोर्स, मतलब जो हमारा उसमें क्या बनेगा, वोल्टेज सोर्स बनेगा, उसमें हमने वोल्टेज सोर्स में क्या चीज़ें होती हैं, करंट होती है और इम्पिडेंस होती है, राइट। एक इम्पिडेंस हमने, हमें पता है जी नॉट है, दूसरी इम्पिडेंस कौन सी है, जी आर डैश जो अभी हमने लगाई है जिससे वो चेंज हुआ है, राइट। और जो ईएमएफ सोर्स इसकी वजह से बना, इस नेटवर्क की वजह से, वो क्या बना, माइनस आई जी आर डैश, राइट। तो ये चीज़, ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट दो नेटवर्क्स का जिसको हमने कंबाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो करंट है वो आई आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और इंसिडेंट करंट आई आई से है, तो रिजल्टेंट करंट इज स्टेडी इन आई, आई के वैल्यू क्या होगी, आई आई प्लस आई आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड करंट प्लस इंसिडेंट करंट, दोनों करंट हमने मैच कर लिए, राइट। तो अब आई की वैल्यू और किसके बराबर है, ई माइनस आई जी आर डैश डिवाइडेड बाय टू जी नॉट। टू जी नॉट क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो जी नॉट है वो दो हैं, दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज को ऊपर रख लिया वोल्टेज को, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस विल इक्वल टू करंट। वोल्टेज कितनी है, ई माइनस आई जी आर डैश, और इम्पिडेंस कितनी है, टोटल टू जी नॉट, राइट। तो अगर यहाँ से हमने E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो क्या बन गई, I into 2Z0 हो गया, प्लस इधर से चला गया इधर I into ZR dash। So how we can write it? We can write it like कि ये चीज जो है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या बन गया, I into 2Z0, राइट। वो किसके बराबर हो गया, आप किसके बराबर है, E माइनस I ZR dash, ओके। तो ये यहाँ पे माइनस था, अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो ये इस साइड जा चला जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब आई जो है वो दोनों में आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, आई इंटू टू जी नॉट प्लस जी आर डैश, राइट, दैट इज इक्वल्स टू ई। सो दिस इज द सेम एज यहाँ पे जो लिखा है, दिस इज इक्वल टू द सेम, ठीक है, ई की वैल्यू इसके बराबर हो गई। अब हम एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसकी वजह से क्या हुआ, आई आई जो इंसिडेंट करंट है यानी कि जो इनपुट साइड से आ रहा है वो किसके बराबर होगा, ई बाय टू जी नॉट, लेकिन आई आर जो रिफ्लेक्टेड करंट है वो किसके बराबर होगा, जो नेटवर्क बी है जहाँ से जिससे हमने उसको टर्मिनेट किया है, दो नेटवर्क है ना, इंसिडेंट करंट आएगा आगे से और रिफ्लेक्टेड करंट कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा, राइट। तो आई आर किसके बराबर हो गया, माइनस आई जी आर डैश डिवाइडेड बाय टू जी नॉट। तो जो इम्पिडेंस है वो कॉमन हो गई, और अगर हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड करंट को अलग अलग करना है तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अब आई आर डिवाइडेड बाय अगर आई आई करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, टू जी नॉट और टू जी नॉट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस आई जी आर डैश डिवाइडेड बाय ई, आई आर डिवाइडेड बाय आई आई अगर डिवाइड करेंगे, टू जी नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस आई जी आर डैश डिवाइडेड बाय ई, राइट। और ई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट करी है इसको, आई इन टू टू जी नॉट प्लस जी आर डैश। तो
तो आई और आई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और जिया डैश का हमें पता है, जिया डैश किसके बराबर होता है? इट इज़ जी आर माइनस जी नॉट, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि जो जी आर है वो किसके बराबर लिया है हमने, राइट। सी हेयर जी नॉट प्लस जी आर डैश इज इक्वल्स टू जी आर। अगर यहाँ से हमें जी आर डैश की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? जी आर माइनस जी नॉट के बराबर होगी, राइट। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी कि जी आर डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, जी आर डैश इज इक्वल्स टू जी आर माइनस जी नॉट, वो यहाँ पे पुट कर दिया जी आर माइनस जी नॉट। नीचे क्या है, आई इंटू टू जी नॉट प्लस जी आर माइनस जी नॉट। अब ये आई और आई दोनों हो गए आपस में कैंसल आउट, ये माइनस अंदर चला गया तो ये बन गया जी नॉट माइनस जी आर, राइट। और नीचे हमारे पास क्या है, टू जी नॉट प्लस जी आर माइनस जी नॉट, राइट। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जी नॉट प्लस जी आर, राइट। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हमने इसी तरीके से लिखा कि ऊपर वाली टर्म क्या बन गई हमारी, जी आर माइनस जी नॉट माइनस ऑफ, राइट। और नीचे क्या है हमारे पास, जी नॉट प्लस जी आर, राइट। तो ये माइनस जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, जी नॉट माइनस जी आर, नीचे क्या बचेगा, जी नॉट प्लस जी आर, क्योंकि टू जी नॉट माइनस जी नॉट क्या बना, जी नॉट। क्लियर हो रहा है, राइट। दिस इज, मैं आपको लिख के बताती हूँ, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हेयर दिस आई विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस आई, दिस टू जी नॉट माइनस जी नॉट क्या बन गया, टू जी नॉट में से जी नॉट निकालेंगे क्या बन जाएगा, जी नॉट बन जाएगा। ये क्या है, जी आर, ये प्लस जी आर आ गया। और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे माइनस का साइन था और अंदर क्या था, जी आर माइनस जी नॉट। तो अब ये माइनस का साइन अगर अंदर लगा दें तो जी आर के साथ माइनस लग जाएगा, जी नॉट के साथ प्लस लग जाएगा, दैट मीन जी नॉट आके आ गया, जी आर पीछे आ गया। तो यहाँ से हम ये चीज क्या है, दिस वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज इक्वल्स टू के। सो के रिफ्लेक्शन कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, जी नॉट माइनस जी आर डिवाइडेड बाय जी नॉट प्लस जी आर, कि रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस में से रिफ्लेक्टेड जो इम्पिडेंस है आपकी, उसको अगर आप करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में से माइनस करेंगे और उसको उसकी रेशियो लेंगे उन दोनों के सम के साथ, तो दैट विल शो द करेक्ट, दैट विल शो द रिफ्लेक्शन कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉफिशेंट, दैट इज के। इफ लाइन इज टर्मिनेटेड एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, अगर लाइन जी नॉट के साथ टर्मिनेट होगी तो जी नॉट माइनस जी नॉट जीरो, राइट। तो अगर वो जीरो के साथ टर्मिनेट होगी, राइट, तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। ऑब्वियसली न्यूमिनेटर जीरो होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज जीरो, राइट। तो के इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। द लाइन इज सेड टू बी नॉन रेजोनेंट और फ्लैट लाइन। तो उस टाइम पे जब रिफ्लेक्शन कांस्टेंट की कॉफिशेंट की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसे हमने जी नॉट के साथ ही टर्मिनेट किया है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ ही टर्मिनेट किया है, तो के की वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो एंड देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। और इस तरह की लाइन को हम बोलेंगे नॉन रेजोनेंट लाइन या फ्लैट लाइन। दूसरी साइड पे अगर लाइन को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की तरह टर्मिनेट किया गया है, यानी कि जी आर इज डिफरेंट फ्रॉम जी नॉट, तो के की वैल्यू विल बी इक्वल टू वन और सारी की सारी पावर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ इम्पिडेंस इररेगुलरिटी ऑन द लाइन, रिफ्लेक्शन कॉन्स्टेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, फेज एंगल भी होता है। सो द पोलैरिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड हेंस द साइन ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स ऑफ सी आर। तो इसलिए इसको यहाँ पे मॉड में रखा है, मॉड के इज इक्वल्स टू वन। तो उसका एम्पलीट्यूड, उसकी पोलैरिटी, सब कुछ चेंज हो सकता है अगर उसको हम डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करेंगे इम्पिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की जगह, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट, जो डिपेंड करता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पे और लोड इम्पिडेंस पे जो भी आपने कनेक्ट करी है। अगर वो सेम होगी तो रिफ्लेक्शन कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो होगी, अगर वो डिफरेंट होगी तो इट कैन बी इक्वल टू वन, राइट। और वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल पे डिपेंड करेगा, और उनकी पोलैरिटी भी चेंज हो सकती है, दैट इज व्हाई उसको मॉड में लिखा गया है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडिंग वेव। जब भी रिफ्लेक्शन होती है एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, एट सम पॉइंट्स इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स दे आर इन फेज, और वो दोनों ऐड हो जाते हैं। जब भी एक लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होती है, तो जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स हैं
दे आर इन फेज, वो दोनों इंसिडेंट सिग्नल्स और रिफ्लेक्टेड सिग्नल वो इन फेज होते हैं और वो ऐड हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों कंपोनेंट्स ऑपोजिट हों, तो नेट और रिजल्टेंट ग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ बोथ दीज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स और वेव्स इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स किसी पॉइंट पे ऐड हो सकते हैं, मींस इन फेज हो सकते हैं, और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर आउट ऑफ फेज हो सकते हैं, तो दे कैन सब्ट्रैक्ट विद ईच अदर। तो जो नेट रिजल्ट ग्राफिकल प्रोफाइल बनती है इन दोनों सिग्नल्स को देखने के बाद, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस नेट ग्राफिकल इमेज प्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। सो द पॉइंट्स वेयर द रिजल्टेंट सिग्नल इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज वोल्टेज और करंट मैक्सिमा, और जहां पे वो रिजल्ट मिनिमम होता है उसे बोलते हैं वोल्टेज और करंट मिनिमा। सो देयर विल बी स्टैंडिंग वेव्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट सिग्नल, तो उनके रिलेटेड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मैक्सिमम कब होगा, जब वी आई प्लस वी आर होगा, आई मैक्स कब होगा, जब आई आर प्लस आई आई होगा, वी मिनिमम कब होगा, जब वी आई माइनस वी आर होगा, और आई मिनिमम कब होगा, जब आई आई माइनस आई आर होगा, राइट। तो जब दोनों प्लस होंगे, राइट, तो वो मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा उनका वोल्टेज और करंट का, और अगर वो माइनस होंगे तो वो मिनिमम पॉइंट जो है वो आ जाएगा, राइट। और इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, राइट। तो इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नीट्यूड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। एक ऐसी रेशो जो मैग्नीट्यूड्स की रेशो है, किसके मैग्नीट्यूड्स की, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स का मैग्नीट्यूड्स, उनकी रेशो, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव डिवाइडेड बाय मिनिमम वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव, यानी कि जब वो प्लस हो रहे हैं तो ऊपर वोल्टेज आ जाएगी, जब वो माइनस हो रहे हैं मतलब ऑपोजिटली कनेक्ट हो रहे हैं तो नीचे वो वोल्टेज आ जाएगी। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव डिवाइडेड बाय द मिनिमम वोल्टेज ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज द रेशियो कॉल्ड एज द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी एस डब्ल्यू आर। इसको रिप्रेजेंट करने से पहले यू हैव टू मेंशन व्हाट अ स्टैंडिंग वेव इज, हाउ दे आर वर्किंग, एंड व्हाट इज बेसिकली द वोल्टेज एंड करंट मैक्सिमा और वोल्टेज एंड करंट मिनिमा वो क्या होते हैं, देन आफ्टर यू कैन डिफाइन द वी एस डब्ल्यू आर। तो स्टैंडिंग वेव्स में एक इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जब उसे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम वी एस डब्ल्यू आर के थ्रू करते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, राइट। तो इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन स्टैंडिंग वेव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो सिमिलरली करंट स्टैंडिंग वेव रेशो भी डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम करंट टू द मिनिमम करंट ऑफ द स्टैंडिंग वेव के साथ। तो लेकिन वी एस डब्ल्यू आर जनरली ईजी है और जनरली ज़्यादा यूज होता है, राइट। तो इसलिए वोल्टमीटर के साथ हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। करंट स्टैंडिंग वेव रेशो में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एमीटर चाहिए होता है कनेक्ट करने के लिए और उसको सीरीज में लगाना पड़ता है। तो जनरली हम लोग वी एस डब्ल्यू आर रेंज लेते हैं, वन एंड द सेम थिंग आप कोई भी चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी वोल्टेज आपको पता चल जाएगी, राइट। तो ये जो फिगर है 15.20, राइट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेक्स्ट पेज आई गेस, राइट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज फिगर 15.20, दिस इज द स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी लाइन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन लाइन का ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न है, राइट। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन सी हेयर इट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट स्टैंडिंग वेव्स, उनकी प्रोफाइल जो है वो शो कर रही है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, जैसे एज द पावर ऑफ द वेव मस्ट रिमेन सेम एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हैंस द करंट एंड वोल्टेजेस आर ऑपोजिट इन फेज, दैट इज जब वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो करंट मिनिमम पे होगा, और अगर वोल्टेज मिनिमम पॉइंट पे तो करंट मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे वो लैम्डा से वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मैक्सिमम इम्पिडेंस और मिनिमम इम्पिडेंस पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग वी मैक्स एंड आई मिनिमम एंड वी मिन एंड आई मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। तो अगर आपको मैक्सिमम इम्पिडेंस चेक करनी है जहाँ पे वी मैक्स और आई मिनिमम है वहाँ पे होगी, मिनिमम इम्पिडेंस चेक करनी है तो वी मिनिमम एंड आई मैक्सिमम के साथ आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, दैट करंट मिनिमम
जो है एंड द वोल्टेज मिनिमम और द करंट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं दे आर लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं ये दोनों पॉइंट्स, लैम्डा बाय 4, राइट, 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, राइट। और अगर हम दो सेम पॉइंट्स को चेक करना चाहें, वोल्टेज वाले या दो करंट वाले पॉइंट्स को, तो वो लैम्डा बाय 2 के डिस्टेंस पे है। अदरवाइज अगर आप आई मैक्सिमम और वी मैक्सिमम में डिफरेंस देख रहे हो तो इट इज़ लैम्डा बाय 4, वी मैक्स वी मिन में भी लैम्डा बाय 4, आई मिन आई मैक्स में भी लैम्डा बाय 4। तो इस तरीके से हो गया, आई मिन और वी मैक्स में कितना डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2 का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको वोल्टेज को, ये डार्क लाइन से वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रही है, इस पॉइंट पे वी मैक्स है, इस पॉइंट पे वी मिन है, यहाँ पे उल्टा ऑपोजिट जो इसके रिप्रेजेंट हो रहा है डॉटेड लाइन से, दैट इज करंट, इस पॉइंट पे करंट मिनिमम है और इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है। तो जिस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है उस पॉइंट पे वोल्टेज मिनिमम है, जिस पॉइंट पे करंट मिनिमम है उस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम है। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिसीविंग एंड, तो जीरो से इस तरीके से वो सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव, इस तरीके से आपकी जो वेव है वो जनरेट होती है आरएमएस वोल्टेज और करंट के साथ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ओपन सर्किटेड लाइन की बात करें तो लोड करंट जीरो होता है एंड इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड करंट्स एंड लोड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो जब हम ओपन सर्किटेड लाइन की बात करते हैं, लोड करंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और वो चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड करंट्स हैं एट लोड वो मैग्नीट्यूड उनका सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, सो दैट II एंड IR कैंसिल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। थस एट द लोड करंट मिनिमा पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है, तो ऑब्वियसली वोल्टेज के अंदर मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 फ्रॉम द लोड अलोंग द लाइन, तो कंडीशंस जो है वो ऑपोजिट होती हैं लैम्डा बाय 4 पे, सो द करंट विल बी मैक्सिमम व्हाइल द वोल्टेज विल बी मिनिमम, जैसे कि हम इस डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरे हाथ अगर लोड एंड ऑफ द लाइन शॉर्ट सर्किटेड है तो लोड करंट इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट और लोड वोल्टेज जीरो। ओपन सर्किटेड लाइन में लोड करंट जीरो होता है और शॉर्ट सर्किटेड लाइन में लोड वोल्टेज जीरो होती है, सो दैट्स द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव वोल्टेजेस वो कैंसिल कर सकती हैं, ओपन सर्किटेड लाइन में वो करंट्स कैंसिल कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किटेड लाइंस में वोल्टेजेस कैंसिल कर सकती हैं। तो इसलिए वोल्टेज मिनिमा और करंट मैक्सिमा पॉइंट्स लोकेट किए जाते हैं लैम्डा बाय 4 के डिस्टेंस पे, उनको रखा जाता है और जो लोड कंडीशंस है वो रिवर्स हो जाती है। सो इफ द लोड एट द टर्मिनेशन ऑफ द लाइन इज वेरी हाई, दैट इज मोर देन जी नॉट लाइक एन ओपन सर्किटेड केस, तो वोल्टेज मैक्सिमा और करंट मिनिमा पॉइंट पे पहुंच जाते हैं एट द लोड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज मैक्सिमा इज स्मॉलर देन इट्स वैल्यू इन द ओपन सर्किटेड लाइन। तो मतलब कि अगर हम लोड को टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेशन लोड टर्म लोड एट द टर्मिनेशन ऑफ द लाइन अगर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब हमने लाइन को ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट करना है उस पॉइंट पे अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा हाई होता है, मोर देन जी नॉट, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचता लाइक ओपन सर्किटेड केस के अंदर, बट बहुत ज़्यादा होता है, तो द वोल्टेज मैक्सिमा और करंट मिनिमा पॉइंट जो हैं वो पहुँच जाते हैं, इज ऑल्सो रीच्ड एट द लोड, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज मैक्सिमा, बट उस केस के अंदर ओपन सर्किट वाला केस नहीं है, नॉर्मल केस है, हाई रखा हुआ है आपकी जो टर्मिनेशन ऑफ द लाइन है उसका इम्पिडेंस जी नॉट से ज़्यादा है बट इन्फिनिटी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या चीज़ होगी, द वोल्टेज मैक्सिमा जो है वो स्मॉलर होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा बट वो ओपन सर्किटेड वाले केस से स्मॉलर होगा, और जो करंट मिनिमा वाला पॉइंट है वो भी जीरो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा हाई रेंज के अंदर होगा। दूसरे केस में अगर लोड की वैल्यू लो कर देते हैं, बहुत लेस देन जीरो है बट लेस देन सॉरी जी नॉट है बट जीरो नहीं है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किटेड वाला केस नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट मैक्सिमा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा लाइक द शॉर्ट सर्किटेड वन, और वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा लो नहीं होगी लाइक जीरो नहीं होगी वहाँ पे, राइट। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट, कॉफिशियंट के इज इक्वल्स टू वी आर बाय वी आई एंड द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट कॉन्स्टेंट के इज अ
वेक्टर क्वांटिटी, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो VSWR के बारे में और भी हम डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये समझना है कि रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट क्या है, किस तरह से वो उसको हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन को टर्मिनेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ओपन सर्किटेड भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किटेड भी हो सकती है, तीसरा केस है उसका लोड ज़्यादा हो बट ओपन सर्किटेड इतना ना हो, चौथा केस है कि उसका लोड कम हो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से बट जीरो नहीं हो। तो इस तरह से चार केसेस के साथ हम लोग जो हैं अपना VSWR की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट मिनिमम है, जहाँ पे करंट मैक्सिमम है वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम है। तो इस तरीके से आपकी स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, राइट। सो उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं, उनके कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू, स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, वी विल बी टेकिंग देम लाइव, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।